40 साल की उम्र में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद युवाओं में पार्टी के प्रति ज्यादा ही उत्साह नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में युवा चुनाव में भाग्य आजमाने की तैयारी में भी जुट गए हैं। महिलाएं भी पार्टी में जीत का परचम फहराने के मकसद लेकर इन दिनों खासी सक्रिय नजर आ रही है। बाबूलाल भाई की रिपोर्ट में देखते हैं। महिला दावेदारों को मिला उपहार, टिकट का सपना होगा साकार, युवा कमान से बढ़ी आस, बीजेपी देगी आस को विश्वास। धूल धूसरित राहों से ही सियासत का रास्ता तय होता है, वरना सौंदर्य प्रतियोगिता में डंका बजाकर आदिवासी समाज का मान बढ़ाने वाली जया मीना और इन जैसी दूसरी नायिकाओं को तपती दोपहरी में सड़कों की खाक नहीं छाननी पड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरों में दिख रही युवा नेत्री डॉक्टर जया मीना है, जो आदिवासी समुदाय की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर आदिवासी समाज को लेकर गढ़े गए सदियों पुराने मिथक तोड़े थे। पिछले 4 साल से डॉक्टर जया मीना उदयपुर के सलूंबर में बीजेपी का टिकट पाने के लिए दिन रात पसीना बहा रही हैं। महिलाओं के बीच हेल्थ और हाइजीन को लेकर उन्होंने काफी जागरूकता फैलाई है। डॉक्टर जया मीना ने आदिवासी महिलाओं की समस्याओं को मुखर तौर पर उठाया है, कुरीतियां मिटाने की दिशा में कई आंदोलन किए, सलूंबर को जिला बनाने के लिए धरने पर भी बैठी। अब वो बीजेपी से टिकट मांग रही है ताकि विधानसभा पहुंचकर महिलाओं के हेपुर के सलूंबर में बीजेपी का टिकट पाने के लिए दिन रात पसीना बहा रही है। महिलाओं के बीच हेल्थ और हाइजीन को लेकर उन्होंने काफी जागरूकता फैलाई है। डॉक्टर जया मीणा ने आदिवासी महिलाओं की समस्याओं को मुखर तौर पर उठाया है, कुरीतियां मिटाने की दिशा में कई आंदोलन किए, सलूंबर को जिला बनाने के लिए धरने पर भी बैठी। अब वो बीजेपी से टिकट मांग रही है ताकि विधानसभा पहुंचकर महिलाओं के हितों की आवाज बुलंद कर सके। जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि हम लोग ट्राइबल को सपोर्ट करते हैं, ट्राइबल के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन ट्राइबल को आप आज जाके देखेंगे ना तो वहाँ की एक लड़की को ये भी नहीं पता होगा कि सैनिटरी पैड क्या होता है। जब मैं एज एन डॉक्टर, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो उसी के साथ मैं जब जाती हूँ और लोगों के बीच में उनको सैनिटरी पैड देती हूँ तो वो लोग शर्मा जाती है। तो मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर बीजेपी मुझे टिकट देती है तो 101% मैं सलूबर की सीट निकाल के दूंगी। स्टेफी चौहान, नागौर के।